हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 को कंटिन्यू करते हैं ऑफ क्लास एट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड एम ब्रैकेट में माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दार माइनस थर्टीन इन टू थ्री अपॉन माइनस टू रेस टू दार एट इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दार माइनस टू एम प्लस वन सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखो यहाँ पर है माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पर है थ्री अपॉन माइनस टू मतलब जो बेस है ना वो सेम नहीं है बेस ऑपोजिट है माइनस टू अपॉन थ्री का उल्टा होगा थ्री अपॉन माइनस टू ठीक है एंड राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस टू अपॉन थ्री सो पहली चीज़ ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया था राइट right? वहाँ पर भी हमने क्या किया था बेस सेम थे तो हमने जो एक्सपोनेंट्स थे इनको इक्वेट करके पी की वैल्यू निकाल ली थी करना यहाँ पर भी हमने वही चीज़ है कि ये इक्वेशन दी है हमने सो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए ओके बट यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेस दिए हुए हैं ना वो सेम नहीं है सेम हम इनको इजीली बना सकते हैं तो वो कैसे बनाने हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे हमें बेस क्या दिया हुआ है माइनस टू अपॉन थ्री तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी हम वही बेस रखेंगे माइनस टू अपॉन थ्री सो दैट बेस सेम हो जाएंगे फिर हम एक्सपोनेंट्स को दोनों साइड पर इक्वेट करके एम की वैल्यू निकाल लेंगे ओके सो माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दार माइनस थर्टीन इसको एज इट इज लिखो दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पर देखो अगर हमने बेस को सेम बनाना है मतलब माइनस टू अपॉन थ्री बनाना है तो इसको हम उल्टा करेंगे राइट right? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे न्यूमिनेटर को ले आएंगे डिनोमिनेटर में तो इस केस में जो एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो साइन है वो चेंज हो जाता है ठीक है तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हो तो यहां पर हम क्या करेंगे इनको ये जो नंबर है ना थ्री अपॉन माइनस टू इसको उल्टा कर देंगे माइनस टू अपॉन थ्री एंड जो एक्सपोनेंट है प्लस एट ये माइनस एट हो जाएगा ओके इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दी पार माइनस टू एम प्लस वन अब देखो बेस सेम है ठीक है तो हम एक्सपोनेंट्स को कर देंगे एड माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पर माइनस थर्टीन प्लस ब्रैकेट में माइनस एट यहाँ पर लग गया ये वाला लॉ ठीक है ए रेस टू दार एम इन टू ए रेस टू दार एन इज इक्वल टू ए रेस टू द्लस एन एक्सपोन एड हो जाते हैं माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दाइनस टू एम प्लस वन सो माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस माइनस का हो गया सो माइनस सो थर्टीन एंड एट को एड कर दो दिस विल बी ट्वेंटी वन सो माइनस ट्वेंटी वन ठीक है ना प्लस माइनस ये माइनस एट हो गया एंड यहाँ पर माइनस थर्टीन है तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं साइन नेगेटिव का आएगा नंबर्स को ऐड कर दो सो माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री रेस टू दार माइनस टू एम प्लस वन अब यहाँ पर देखो बेस सेम है दोनों साइड पर सो so अगर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल होना है तो जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए सो so यहाँ पर आप लिखोगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा था यहाँ पर Since base are same, therefore exponents on both sides must be equal. So this implies minus माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू माइनस टू एम माइनस टू एम को प्लस का बना लो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो इधर ये प्लस का बन गया प्लस टू एम इक्वल्स टू यहाँ पर वन बचा ये जो माइनस ट्वेंटी वन है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो सो ये प्लस का हो जाएगा राइट सो टू एम इज इक्वल टू ट्वेंटी टू सो दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई टू सो एम इज इक्वल टू इलेवन इज द आंसर टू यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा ठीक है सो एम इज इक्वल टू इलेवन इज द आंसर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन इवेलुएट फर्स्ट है फाइव अपॉन सिक्स रेस टू दी पार सेवन इंटू सिक्स अपॉन फाइव रेस टू दार थ्री सो दिस इज इक्वल टू अब देखो a अपॉन बी रेस टू दार m इसका क्या मतलब होता है कि a की पावर भी m है ओवर पी की पावर भी है m ठीक है सो so, इसका भी वही मतलब है कि फाइव रेस टू दार सेवन ओवर सिक्स रेस टू दार सेवन इंटू यहाँ पर सिक्स रेस टू दार थ्री ओवर फाइव रेस टू दार थ्री ठीक है अब यहाँ पर देखो फाइव फाइव बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यूजिंग दिस लॉ। सो फाइव रेज टू 7, ये जो नीचे वाला एक्सपोनेंट है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है मल्टीप्लाई बाय सिक्स यहाँ पर सिक्स सिक्स बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर वाला एक्सपोनेंट एज इट इज माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट सेवन सो फाइव रेज टू दैवन माइनस थ्री फोर इन सिक्स रेज टू पावर यहाँ पर सेवन जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव फोर ओके सो फाइव रेज टू दार फोर ओवर सिक्स रेज टू दार फोर ए रेज टू माइनस एन ये इक्वल होता है वन अपॉन ए रेज टू दावर एन के तो नेगेटिव का जो एक्सपोनेंट था उसको हम नीचे ले आए ओके तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लो फाइव को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसी तरह सिक्स को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करो सो फाइव फ़ाइव जी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव इंटू फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव दिस इज़ सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू सिक्स टू हंड्रेड सिक्सटीन टू हंड्रेड सिक्सटीन इंटू सिक्स ये uh, करके देख लो सिक्स सिक्स है थर्टी सिक्स थ्री कैरी नाइन आ गया सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सो ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स सो दिस इज आंसर सेकेंड पार्ट है वन पॉइंट थ्री रेस टू दार माइनस टू माइनस वन पॉइंट टू रेस टू दर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर रेस टू दर माइनस टू इक्वल्स टू अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं उसके लिए क्या करेंगे ये जो नंबर है वन पॉइंट थ्री इसको उल्टा कर देंगे सो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में चला जाएगा सो थ्री थ्री की पावर टू जो एक्सपोनेंट है अब वो प्लस का बन जाएगा ओके माइनस वन अपॉइंट टू को भी उल्टा कर लो ये टू बन गया पावर प्लस की हो जाएगी अब टू की पावर थ्री डिवाइडेड बाय इसको भी उल्टा कर लो फोर की पावर टू ठीक है सो थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस टू की पावर थ्री ये होता है एट टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट डिवाइडेड बाय यहाँ पर फोर फोर ज़ा सिक्सटीन सो दिस इज इक्वल टू नाइन माइनस एट वन So, 1 by 16. So, इसको आप ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन सिक्सर क्वेश्चन टू अब यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव का एक्सपोनट है इसको पॉजिटिव का बना लो तो इसको नीचे ले आओ इस तरह से थ्री रेस टू दी पार फाइव को डिनोमिनेटर में ले आओ सिमिलरली टेन रेस टू द माइनस फाइव तो इसको भी नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो इंटू ट्वेंटी फाइव को आप इस तरह से लिख सकते हो फाइव का स्क्वायर इन यहाँ पर देखो ये जो फाइव रेस टू दार माइनस सेवन है इसको आप ऊपर ऊपरनेटर में ले जाओ ठीक है क्योंकि इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से भी देख सकते हो अगर आपको इस तरह से दिया हो वन अपॉन ए रेस टू दाइनस एन तो दिस विल बी ए रेस टू दार एन ओके अगर नेगेटिव का एक्सपोनेंट नीचे डिनोमिनेटर में हो तो जब वो ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा प्लस का ओके सो फाइव रेज टू दी दाइनस सेवन इसको जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा इसी तरह से सिक्स रेज टू दार माइनस फाइव जब आप इसको ऊपर न्यूमिरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का एक्सपोनेंट सिक्स रेस टू दी दार फाइव अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं दोनों ही हमने न्यूमिरेटर में शिफ्ट कर दिए तो एंड में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसको रिमूव कर दो या फिर एंड में लिख दो मल्टीप्लाई बाय वन सो दिस इज़ इक्वल टू अब यहाँ पर ना हम एक स्टेप और कर सकते हैं ऊपर हमारे पास बेस क्या क्या दिए हुए हैं फाइव एंड सिक्स नीचे हमारे पास बेस कौन से हैं थ्री एंड टेन तो टेन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ फाइव इंटू टू इसी तरह से ऊपर मैं सिक्स को लिख सकती हूँ टू इंटू थ्री ये इसलिए करना है सो so दैट हम बेस सेम बना के एक्सपोनेंट्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकें ओके okay, ऊपर नीचे सो so, यहाँ पर देखो यहाँ पर बेस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं सेवन एंड टू इनको ऐड कर दो टू प्लस सेवन इंटू सिक्स को आप इस तरह से लिख लो टू इंटू थ्री तो ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो सेम रहेगा ठीक है एज इट इज़ यहाँ पर थ्री रेस टू दी पार फाइव इंटू टेन को लिख लो फाइव इंटू टू इसका एक्सपोनेंट फाइव इक्वल्स टू फाइव रेज टू दावर सेवन प्लस टू नाइन इंटू अब यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ये वाला लॉ ए बी मतलब दो नंबर दिए हैं उनकी पावर दी हुई है एम विच इज फाइव तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर भी एम है बी की पावर भी एम है सो दैट मीन्स टू की पावर भी है फाइव इंटू थ्री की पावर भी है फाइव ओवर थ्री रेज टू दावर फाइव इन टू यहाँ पर भी फाइव की पावर फाइव इन टू की पावर फाइव यूजिंग दिस लॉ अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो बेस फाइव बेस फाइव तो जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो फाइव रेस टू नाइन माइनस फाइव ठीक है एंड यहाँ पर टू बेस सेम है एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो फाइव माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव अब बेस सेम है थ्री थ्री तो एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो फाइव माइनस फाइव सो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर पता है ना हमने एक्सपोन को सब्ट्रैक्ट क्यों किया यूजिंग दिस लॉ ए रेस टू दार एम ओवर ए रेस टू दार एन इज इक्वल टू ए रेस टू दम माइनस एन सो फाइव की पावर आ गई फोर इंटू टू की पावर जीरो थ्री की पावर जीरो अब किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन सो फाइव रेस टू दावर फोर इंटू वन इंटू वन सो फाइव रेस टू दार फोर सो so, ये क्या आएगा दिस विल बी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो दिस इज आंसर सेकेंड पार्ट है ट्वेंटी फाइव इंटू टी रेस टू दी दाइनस फोर ओवर फाइव रेस टू दी पार माइनस थ्री इंटू टेन इंटू टी रेस टू दी दाइनस एट वेयर टी इज नॉट इक्वल टू जीरो अब क्योंकि t यहां पर डिनोमिनेटर में है सो so डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता इसलिए उन्होंने साथ में यहां पर मैंशन कर दिया है कि t जीरो के इक्वल नहीं है दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखो नीचे फाइव दिया हुआ है ना तो ऊपर ट्वेंटी फाइव को फाइव की पावर में लिख लो फाइव स्क्वायर अब यहाँ पर है टी रेस टू दर माइनस फोर यहाँ पर है टी रेस टू दाइनस एट तो यहाँ पर आप सीधा एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टी की पावर जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है माइनस फोर माइनस जो नीचे वाली पावर है विच इज माइनस एट ओके माइनस फोर माइनस ब्रैकेट में माइनस एट यहाँ पर एम किसको रेफर कर रहा है माइनस फोर को एन किसको रेफर कर रहा है माइनस एट को सो एम माइनस एन का मतलब है माइनस फोर माइनस ब्रैकेट में माइनस एट ठीक है यहाँ पर मिस्टेक मत करना ओवर फाइव रेज टू दाइनस थ्री इंटू टेन को आप कैसे लिख सकते हो फाइव इंटू टू जैसे हमने पार्ट वन में किया था ओके सो टी रेस टू दाइनस एट इसको तो हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं सो फाइव रेज टू दार टू इंटू टी रेज टू दार माइनस फोर माइनस माइनस प्लस हो गया सो प्लस एट ओवर फाइव रेस टू दी पार माइनस थ्री इंटू फाइव अब यहाँ पर देखो फाइव है ना तो फाइव की पावर क्या है वन सो यहाँ पर ही आप इसकी पावर को ऐड कर दो बेस सेम है तो जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं आप उनको ऐड कर दोगे माइनस थ्री प्लस वन ठीक है अब बचा टू इसको यहाँ पर आप लिख लो सो फाइव रेस टू दर टू इंटू टी रेस टू दार फोर एट माइनस फोर फोर ओवर फाइव रेस टू दार माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू इंटू टू सो दिस इज इक्वल टू अब देखो बे सेम है फाइव सो फाइव लिख लिया एंड एक्सपोनेंट्स को सब ट्रैक्ट कर दो टू माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस टू ठीक है इंटू ट्री रेस टू दार फोर ओवर टू सो दिस इज इक्वल टू फाइव रेस टू दार टू माइनस माइनस प्लस हो गया सो प्लस टू इंटू टी रेस टू दी पार फोर ओवर टू सो दिस इज फाइव रेस टू दिन टू टी रेस टू दी पार फोर ओवर टू सो दिस इज इक्वल टू फाइव रेस टू दिस हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है ना ये लिखने की जरूरत नहीं है इसको सीधा इस तरह से लिख दो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टी रेस टू दी पार फोर ओवर टू अगर लिखना है आपने मल्टीप्लाई का साइन तो आप एंड में लिख भी सकते हो वैसे ये अंडर स्टूड ही होता है कि 625 के साथ आप ये जो वेरिएबल है टी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ओके okay? सो so, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो दोनों ही ठीक है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू टी रेस टू दर फोर ओवर टू सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सेवन एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज एंड स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन पर क्लिक भी कीजिए Thanks for watching, take care.